कैसे हो विद्यार्थी मित्रों मैं किंजल पटेल फ्रॉम अशोमेघ विद्यालय विद्यार्थी मित्रों गए वीडियो में हमने कक्षा सा कक्षा चार के हिंदी विषय में सेक्शन सी का रिवीजन किया था आज हम उसके आगे का सेक्शन सेक्शन डी करेंगे जिसके अंदर पहला प्रश्न है चित्र के नीचे अंकों तथा शब्दों में संख्या लिखिए आपको चित्र दिए जाएंगे उसे आपको गिनना है और उसे आपको अंक में और शब्द दोनों में आपको वो संख्या लिखनी है ठीक है तो यह प्रश्न हम स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर थ्री के अंदर पेज नंबर थर्टी फाइव के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है वो हम करेंगे पेज नंबर थर्टी फाइव के ऊपर जो ये प्रश्न दिया गया है बराबर वो हम करेंगे यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है उदाहरण के तौर यह, पर हमने हमें यहाँ पर दिया गया है चित्र गिनना है एक दो तीन कितने चित्र है तीन है तो वो हमें संख्या में लिख अंक में लिखनी है बराबर है तीन और शब्दों के अंदर भी हमें तीन लिखना है ठीक है इस प्रकार हमें करना है आगे का चित्र है वो हम गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितने चित्र है आठ है बराबर है तो हम हमें उसे यहाँ पर अंकों में आठ लिखना है और यहाँ पर शब्दों में आठ लिखना है आगे का चित्र है वो हम करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह कितने चित्र है ग्यारह चित्र है बराबर है तो हमें यहाँ पर अंकों में ग्यारह लिखना है और यहाँ पर शब्दों में हमें ग्यारह लिखना है आगे है यहाँ पर हमें फाइल दी गई है वो हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह कितनी है सत्रह है तो वो हम यहाँ पर सत्रह अंकों में लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों में सत्रह लिखेंगे आगे है एक दो तीन चार और पांच हमें कितनी पतंगे दी गई है पांच पतंगे दी गई है तो वो हम अंकों में यहाँ पर पांच लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों में पांच लिखेंगे आगे है एक दो तीन चार पांच छ सात यहाँ पर पांच हमें दिए गए हैं चित्र तो एक पांच नहीं सॉरी सात एक दो तीन चार पांच छह और सात सात चित्र दिए गए हैं तो हम यहां पर अंकों में सात लिखेंगे और यहां पर शब्दों में सात लिखेंगे आगे है यहां पर हमें आम का चित्र दिया गया है वो हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह तो हम यहां पर चौदह में अंक में लिखेंगे और यहां पर शब्दों में लिखेंगे फिर यहाँ पर लड़कियों के चित्र दिए गए हैं तो वो हम दिखेंगे एक दो तीन चार पांच और छह छह लड़कियों के चित्र हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर हम अंकों में छह लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों में छह लिखेंगे फिर आगे है एक दो तीन चार चार बिल्ली के चित्र हमें दिए गए हैं तो हम यहाँ पर चार अंकों में लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों में ठीक है तो इस प्रकार जो बाकी के ये जो चित्र है वो भी आपको करने बराबर है यहाँ पर हमें दो बंदर के चित्र दिए गए हैं तो यहाँ पर हमें दो और यहाँ पर अंकों में और यहाँ पर शब्दों में लिखना है ठीक है यहाँ पर हमें एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह फूल के चित्र दिए गए हैं तो हमें हमें यहाँ पर अंकों में तेरह लिखना है और यहाँ पर शब्दों में तेरह लिखना है फिर है आगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस यहाँ पर हमें उन्नीस पेंसिल दी गई है तो हम यहाँ पर अंकों में उन्नीस लिखेंगे और यहाँ पर हम शब्दों में उन्नीस लिखेंगे ठीक है तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है अब हम आगे का प्रश्न करेंगे कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए यह प्रश्न हमें स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर टू पेज नंबर थर्टी वन के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है चौथा वो हम करेंगे तो यह प्रश्न हम पेज नंबर थर्टी वन के ऊपर जो ये प्रश्न दिया गया है वो हम देखेंगे बराबर इस प्रकार आपको चित्र दिए जाएंगे और चित्र के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो उसका प्रश्न प्रश्न का जवाब जो है वो आपको कोष्टक में से ढूंढ के लिखना है बराबर क्या प्रश्न जवाब क्या आएगा ठीक है यहाँ पर हमें डिब्बे का चित्र दिया गया है बराबर तो उसका उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि यह क्या है तो आंसर आएगा यह डिब्बा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर आम का चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है कि यह क्या है तो आंसर क्या क्या आएगा यह आम है फिर है यहाँ पर यह सड़क का चित्र दिया गया है ठीक है तो उसके आधार पर प्रश्न दिया गया है कि यह क्या तो आंसर आएगा यह सड़क है क्या है सड़क है तीसरा हमें यहाँ पर तलवार का चित्र दिया गया है और प्रश्न किया गया है कि यह क्या है तो आंसर आएगा यह तलवार है आगे है प्रश्न उसमें हमें घड़ी का चित्र दिया गया है और प्रश्न किया गया है कि यह क्या है तो आंसर आएगा यह घड़ी है फिर है यहाँ पर हमें चरखे का चित्र दिया गया और प्रश्न किया गया है कि यह क्या है तो आंसर आएगा यह चरखा है फिर यहाँ पर हमें औखली का चित्र दिया गया है और प्रश्न किया गया है कि यह क्या है तो आंसर आएगा यह ओखली ठीक है तो इस प्रकार आपको चित्र दिया जाएगा और चित्र के आधार पर प्रश्न दिए जाएंगे तो उसके प्रश्न आपको कोष्टक में से ढूंढ के लिखने ठीक है इसमें समझ आ गया आपको अब हम आगे का प्रश्न करेंगे जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए आपको शब्द दिए जाएंगे उसको उसके अर्थ आपको लिखना है पहला है परिवार परिवार का अर्थ होता है कुटुंब दूसरा है अध्यापक अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक तीसरा है बुआ बुआ यानी कि पिता की बहन चौथा है चाचा चाचा यानी कि पिता के छोटे भाई है कक्षा कक्षा का अर्थ होता है धोरण या स्टैंडर्ड गुजराती में उसे धोरण कहते हैं और इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहा जाता है ठीक है अब हम आगे का प्रश्न करेंगे करेंगे कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए आपको कोष्टक में शब्द दिए जाएंगे उसे आपको सही खाली जगह हमें लिखनी है खाली जगह पढ़ के उसमें से ढूंढ के आपको लिखनी है ठीक है तो हम ये शब्द पढ़ेंगे पढ़ती मेरे मेरी मैं रहा है मुझे करता हूं मेरे बराबर तो है ये शब्द आपको दिए गए हैं अब हम खाली जगह पढ़ेंगे पहली है खाली जगह विद्यार्थी तो क्या आएगा यहाँ पर मैं क्या आएगा मैं खाली जगह में क्या आएगा मैं मैं विद्यार्थी हूं दूसरा है आगे है खाली जगह कहानी सुनना पसंद है तो खाली जगह में क्या आएगा पढ़ती पढ़ती कहानी सुनना पसंद है नहीं मेरी कहानी सुनना पसंद है नहीं मैं खाली मैं कहानी सुनना पसंद है नहीं. तो क्या आएगा मुझे मुझे कहानी सुनना पसंद है यह आएगा बराबर ठीक है तो खाली जगह में क्या आएगा मुझे मुझे कहानी सुनना पसंद है तीसरा है अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह तो हम लिखेंगे पढ़ती अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है बराबर है बराबर है ठीक है तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे पढ़ती है अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है आगे है लड़का खेल खाली जगह है तो खाली जगह में क्या आएगा रहा है लड़का खेल रहा है ठीक है पांचवा है मैं माता पिता का आदर खाली जगह तो क्या आएगा मैं माता पिता का आदर करता हूँ करता हूं ठीक है छठा है खाली जगह पिता किसान है तो खाली जगह में क्या आएगा मेरे मेरे पिता किसान है सातवा है खाली जगह माता घर काम करती है खाली जगह क्या आएगा मेरी मेरी माता घर काम करती है मेरी माता घर काम करती ठीक है तो इस प्रकार आपको ये खाली जगह करनी यहाँ पर हमारा सेक्शन डी जो है वो खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का सेक्शन करेंगे थैंक यू